सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM क्रैक प्रीलिम्स सीरीज में। सो आज 11th जुलाई है, डेली प्रीलिम्स करंट अफेयर्स टू द पॉइंट। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अन अकेडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप जुड़ सकते हैं। आपको ये कोड इस्तेमाल करना है, दैट इज SPLIVE। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। तो यहाँ पे जो अमाउंट आप देख रहे हो, दिस अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। और यहाँ पे आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, दूसरे सभी कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, unacademy.com/@SPLIVE पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सो आज जो है 9 PM को स्पेशल क्लास है, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे। सो ग्रुप में आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट स्पेशल क्लास। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट वो स्पेशल क्लास है, सो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें हम सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो अपना अटेंडेंस आप जरूर से दें और अपना नाम जरूर से बताएं, आप कहाँ से ये भी जरूर से बताएं। पहला टॉपिक देखते हैं, एड्स टू नेविगेशन बिल 2020। सो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज़ इशूड द ड्राफ्ट ऑफ एड्स टू नेविगेशन बिल 2020 फॉर सजेशंस फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स एंड जनरल पब्लिक। तो अभी ये ड्राफ्ट ही रखा गया है, तो अभी इसमें कई सारे चेंज किए जाएंगे। सो इस बिल में अगर आप देखोगे तो ये रिप्लेस कर रहा है ओल्ड लाइट हाउस एक्ट 1927। ओल्ड लाइट हाउस जो एक्ट है 1927 का, उसको रिप्लेस किया जा रहा है, टू इनकॉर्पोरेट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडियन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इन द फील्ड ऑफ एड्स इन एड जो है दी जाती है मैराइन नेविगेशन, मतलब जब शिप्स मूव कर रही हैं। सो लाइट हाउस का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डायरेक्शन देने के लिए या जानकारी जो देने के लिए है। सो इसमें आप अगर देखो तो ये जो पुराना 1927 का एक्ट है, इसको चेंज किया जा रहा है। तो अभी इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है, हाल में जब इसके पूरे तरीके से अप्रूव होगा, एक्ट का रूप लेगा, पार्लियामेंट के द्वारा पास होगा, तो इस पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आएंगे, तो उसको भी हम द हिंदू में डिस्कस करेंगे। सो ये प्रोवाइड करेगा एम्पावरिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स विद एडिशनल पावर एंड फंक्शन सच एज वेसल्स, ट्रैफिक सर्विस, रेड फ्लैगिंग, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अदर ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस वेयर इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी, जहाँ पे इंडिया सिग्नेटरी है। सो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउसेस एंड लाइट शिप को एडिशनल पावर भी दिया जाएगा, जैसे वेसल ट्रैफिक सर्विस, रेड फ्लैगिंग, अलग अलग तरीके की जो ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और दूसरे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑब्लिगेशन उसके तहत इसको पावर भी दिया जाएगा। सो ड्राफ्ट बिल कंप्राइजेज अ न्यू शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस अलॉन्ग विथ कमेंसुरेट पेनल्टीज फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड डैमेजिंग द एड्स टू नेविगेशन एंड नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्टिव इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर बॉडीज। तो यहाँ पर यह भी रहेगा कि जो पेनल्टीज़ हैं वो भी आपकी लगाई जाएंगी अगर आपका जो सर्टेन डायरेक्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, या दूसरी जो बॉडीज़ हैं उनके द्वारा जो डायरेक्शन दिया जा रहा है उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो डेडलियर देन COVID-19। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, कजाकिस्तान में एक लोकल निमोनिया आउटब्रेक देखने को मिला है, जो कि कहा जा रहा है कि COVID-19 से ज़्यादा ये डेडलियर है, मतलब ज़्यादा खतरनाक है, जो मोर्टैलिटी रेट है इस पर काफ़ी हाई है। सो अननोन निमोनिया है कजाकिस्तान में, लगभग 1772 आपके केसेस हुए हैं फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर, इंक्लूडिंग 628 पीपल इन जून एलोन। तो ये केस आपको देखने को मिल रहा है, और इसका अगर डेथ रेट देखा जाए तो ये काफ़ी अधिक है इन कंपैरिजन टू कोरोना वायरस, या आप COVID-19 की बात करें। सो नेक्स्ट है एपस्टार 60। सो पहली जो सैटेलाइट है चाइनीज कंपनी जो प्लान किया, उन्होंने July 9 को लॉन्च किया था ऑन लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का। तो यहाँ पे ये जो आप देखोगे तो चाइनीज़ जो कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेट चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, द आर्म ऑफ चाइनाज एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, सो यहाँ पे कमर्शियल लॉन्ग मार्च लॉन्चेस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोशिश ये किया जा रहा है कि बहुत सारी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपके लॉन्च की जाए, उसके तहत एक लॉन्च अभी की गई है July 9 को ऑन लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट पे, इसका नाम रखा गया एपस्टार 60। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपकी सैटेलाइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करो तो अराउंड अर्थ सर्फेस से लगभग 36,000 किलोमीटर का। सैटेलाइट बैरिंग एनोमलीज विल बी द फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस ऑफ चाइनाज इन्हांस्ड डोंगफेंग होंग 4 प्लेटफॉर्म DFH-4E, विच इंक्लूड अपग्रेडेड कंपोनेंट टू लाइटन द सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स एंड अलाउ मोर रूम फॉर कम्युनिकेशन पेलोड्स। तो ये मेनली आप ये कह सकते हो कि इसके ये जो सैटेलाइट सिस्टम है, अगर देखा जाए तो ये जो डोंगफेंग होंग प्लेटफॉर्म है, इसको और अधिक इन्हांस किया जाए, उसका कमर्शियल सक्सेस को और अधिक इन्हांस किया जाए,
कई सारी जो क्वालिटीज़ हैं सैटेलाइट्स की, उसको और अधिक इम्प्रूव किया जाए, चाहे मोर रूम्स हैं फॉर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स या फिर जो कंपोनेंट्स हैं सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइटन करना। सो इसी के तहत और इन्हांस्ड जो ये सैटेलाइट्स लॉन्च की जाने की जो प्लानिंग हो रही है, उसमें से पहली जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है दैट इज़ एप स्टार 60, ये आपको याद रखना। इंडियन न्यूज़ चैनल्स टू फेस अ ब्रॉडकास्टिंग बैन इन नेपाल। तो नेपाल में जो जितने भी ये प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। जो आपके हिंदी न्यूज़ जैसे दूरदर्शन है, इसको आपका अलाउ किया गया। तो मेनली जो ये स्ट्रेन चल रहा है इंडिया नेपाल रिलेशन में, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट है अमेजोनिया वन सैटेलाइट। तो इसरो टू लॉन्च अमेजोनिया वन सैटेलाइट ऑफ ब्राज़ील ऑन बोर्ड PSLV पे नेक्स्ट मंथ आपका लॉन्च होगा। तो सिक्स्थ ब्रिक्स समिट इन 2014 द टू कंट्रीज़ इंडिया एंड ब्राज़ील हैड एन एग्रीमेंट ऑल साइंड विच टॉक्ड अबाउट सेटिंग अप अ ब्राज़ीलियन अर्थ स्टेशन टू रिसीव डेटा फ्रॉम द इंडियन सैटेलाइट्स। ठीक है, जो ब्राज़ीलियन अर्थ स्टेशंस हैं मेनली अगर आप देखोगे तो ये पहली चीज़, तो ये जो सैटेलाइट है ये ब्राज़ील की है। इसरो इसको लॉन्च करेगा PSLV में नेक्स्ट मंथ में। सो जो सिक्स्थ ब्रिक्स समिट आपकी हुई थी ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका की इन 2014 द टू कंट्रीज़ इंडिया और ब्राज़ील हैड एन एग्रीमेंट ऑल साइंड विच टॉक्ड अबाउट टेस्टिंग अ ब्राज़ीलियन अर्थ स्टेशन टू रिसीव डेटा फ्रॉम द इंडियन सैटेलाइट। सो यहाँ पे जैसे जो सैटेलाइट्स आपकी लॉन्च की जाएंगी तो उनके सिग्नल्स ब्राज़ील के अर्थ स्टेशन में भी रिसीव हो, ऐसा कुछ एग्रीमेंट आपका साइन किया गया था। तो ब्राज़ीलियन सैटेलाइट हैज़ बीन लोकली डिज़ाइंड असेंबल्ड एंड टेस्टेड इन ब्राज़ील एंड विल बी द फर्स्ट सैटेलाइट फॉर द अर्थ ऑब्जर्वेशन। पहला ये सैटेलाइट होगी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। इट विल बी प्राइमरी पेलोड एंड विल नॉट बी हिच हाइकिंग सैटेलाइट। स्पेस कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज गोज बैक टू अर्ली। तो यहाँ पे अगर आप जो पॉइंट आपको याद रखना है, अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्राज़ील की सैटेलाइट है, PSLV में नेक्स्ट जो मंथ है इसको लॉन्च किया जाएगा। और सिक्स्थ ब्रिक्स समिट में भी जो स्पेस टेक्नोलॉजी, उसमें कोऑपरेशन की बात आपकी हो रही थी। नेक्स्ट है होप और अमल इन अरेबिक। सो ये क्या है, UAE यूनाइटेड अरब एमिरात या UAE हम कह सकते हैं। तो इसका जो इट वुड सेंड अ मिशन टू मार्स बाय द कंट्रीज 50th बर्थडे इन दिसंबर 2021 में, अपने 50th बर्थडे में ये जो सैटेलाइट है आपकी जो होप नाम से मार्स में सेंड की जाएगी। सो अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और आपका फॉर्मर सोवियत यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो इनको अगर छोड़ दें तो ये अगला देश होगा जो अगर सक्सेसफुली ये लॉन्च कर पाता है इस सैटेलाइट को मार्स के लिए, तो ये अगला देश होगा। ऑल दो चाइना भी प्लान कर रहा है रेड प्लैनेट में या मार्स में सेंड करने के लिए। सो 50th एनिवर्सरी ऑफ इट्स यूनिफिकेशन विथ होप एंड अनमैंड स्पेस क्राफ्ट एक्सपेक्टेड टू रीच इट्स टारगेट इन फरवरी आफ्टर बींग लॉन्च ऑन जुलाई 15। तो जुलाई 15 में लॉन्च किया जाएगा तैने जैशिमा स्पेस सेंटर से और उसके बाद ये लगभग फरवरी 2021 तक वहाँ रीच करेगा। और जो भी अपना ऑब्जर्वेशन है रिलेटेड विद सर्टेन मार्स में, जो चाहे वाटर का प्रेजेंस हो या उसके सरफेस का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानना, मिनरोलॉजी है, काइंड ऑफ मिनरल जो प्रेजेंट है उसके बारे में जानकारी हासिल करना, ये सब इसका पर्पज़ आपका होगा। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया सस्पेंड्स एक्स्ट्राडिशन विथ हांगकांग। तो यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन आप ये समझ लो कि एक प्रकार का जो एग्रीमेंट आपका होता है। सो अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया में सपोज करो क्राइम किया है और वो चाइना का मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्राइम किया है और वो चाइना का पर्सन है, और तो ऑस्ट्रेलिया में क्राइम करके वो चाइना चला गया, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसने क्राइम किया इसलिए अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, सो चाइना से उस पर्सन को भेजा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या पुलिस जो भी है वो उनको डिमांड कर सकती है चाइना से बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो इस प्रकार की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी हांगकांग के साथ, इसको सस्पेंड किया गया है। सो ऑस्ट्रेलिया विल सस्पेंड इट्स एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट विथ हांगकांग बिकॉज ऑफ द न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ। ये नया जो सिक्योरिटी लॉ डेवलप किया गया है इसके तहत अगर आप देखोगे, सो इसके तहत हांगकांग में जो चाइना मेनलैंड चाइना की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मेनलैंड चाइना की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी इंस्टीट्यूशन सेट किए जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि हांगकांग की जो ऑटोनॉमी है वो इससे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। यही एक वजह है कि बहुत सारे चाहे देश हैं, चाहे वो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन ने कहा है कि हम भी ऐसा जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसको सस्पेंड करेंगे। कनाडा ने भी कहा कि हम भी हांगकांग से ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी सस्पेंड करेंगे। इसका रीज़न ये था कि हांगकांग एक प्रकार से ऑटोनॉमस था, लेकिन अब चाइना के प्रेजेंस की वजह से ये ऑटोनॉमी ख़त्म होगी। और ये वीज़ा को भी एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, ईजिली जो हांगकांग के लोग हैं उनको
वीज़ा दिया जाएगा, जिससे वो अपना बिजनेस भी इधर सेट कर सके, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे यूके है, इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग आसिम। सो इन एन एंडेवर टू इम्प्रूव द इन्फॉर्मेशन फ्लो एंड ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप इन द स्किल्ड वर्कफोर्स मार्केट, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप MSDE टुडे लॉन्च्ड आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल। ठीक है, असीम पोर्टल ये आपका लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग। सो ये क्या है, इम्प्रूव द इन्फॉर्मेशन फ्लो एंड ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप। यहाँ पे जैसे आप ये समझना है कि किसी के पास स्किल है वो एम्प्लॉई होगा, और जिसको स्किल ज़रूरत है वो एम्प्लॉयर होगा। तो ये किसी एक अगर देखा जाए सो ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप के द्वारा ये एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है, जो कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर को लिंक करेगा। एम्प्लॉयज़ जिसका जो रिक्वायर्ड स्किल एम्प्लॉयर को ज़रूरत है वो आपस में लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पोर्टल आपको ध्यान में रखना है। सो प्रोवाइड एम्प्लॉयर्स अ प्लेटफॉर्म टू एसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। नेक्स्ट देखते हैं IGES कंट्रोल कंप्यूटर इंटरफेस। तो सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज़ डिजाइंड IGES कंट्रोल कंप्यूटर इंटरफेस फॉर पीपल विद सीवियर स्पीच एंड मोटर इम्पेयरमेंट SSMI, अ कंडीशन कॉज्ड बाय डिसऑर्डर्स लाइक सेरेब्रल पैलसी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेनली जो ये एक ऐसा कंप्यूटर डेवलप किया गया है, ये सिस्टम आपका पूरा डेवलप किया गया है जिसके तहत आइस के मूवमेंट से कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको बस इतना सा याद रखना है। सो IGES कंट्रोल्ड कंप्यूटर इंटरफेस। नेक्स्ट है YP थीमा वाटसोनी। त्रिपुरा की टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है YP थीमा वाटसोनी बटरफ्लाई कॉमनली नोन एज लूप्ड थ्री रिंग आफ्टर 61 ईयर नियर अ विलेज कॉल्ड फुल दुंग सी इन जमुई हिल्स अंडर द नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो ये आप ये कह सकते हो कि YP थीमा वाटसोनी क्या है, ये बटरफ्लाई है। ये क्या है, ये आपका बटरफ्लाई है और ये नई स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई की त्रिपुरा में फाइंड की गई है। लूप्ड थ्री रिंग वाइप थीमा वाटसोनी 1893 बिलोंगिंग टू अ सब फैमिली स्टायरिन एंड फैमिली निम्फालिडाई ऑफ इंसेक्ट ऑर्डर लेपिडोप्टेरा हैज़ बीन रिकॉर्डेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 61 ईयर सिंस इट लास्ट ड्यून। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे YP थीमा वाटसोनी क्या है, तो त्रिपुरा में बटरफ्लाई की जो स्पीसीज है काफ़ी समय बाद आपकी डिस्कवर की गई है। फर्स्ट लॉन्च ऑफ चाइनीज क्वेज़ाओ 11 रॉकेट एंड्स इन फेलियर। तो क्वेज़ाओ 11 लिफ्टेड फ्रॉम ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर ऑफ ज़ियू क्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नॉर्थ वेस्ट चाइना। स्पेसिफिक कॉज फॉर फेलियर इज अंडर एनालिसिस। अभी पता नहीं चला है कि ये क्या है। सो द मिशन वॉज चाइनाज 19th लॉन्च ऑफ 2020 फॉलोइंग द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ EPSTAR-60 जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। सो इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये भी अगर देखोगे तो अगर चाइना के फेलियर की बात करें तो 3 फेलियर उसे इस साल फेस करने पड़े हैं, लॉन्ग मार्च 7A से, लॉन्ग मार्च 3B से, और लेटर लॉन्चर फेल्ड इन अप्रैल रिजल्टिंग द लॉस ऑफ इंडोनेशियन पलामा N1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से। सो यहाँ पे डेब्यूट ऑफ क्वेज़ाओ 11 वॉज इनिशियली प्रोजेक्टेड फॉर 2000। तो यहाँ पे ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इसका नाम है क्वेज़ाओ 11, ये चाइना के द्वारा जो लॉन्च किया गया था वो सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया है। क्वेश्चन देखते हैं, बसर चार आइलैंड इज इन विच कंट्री वेयर रोहिंग्यास वेयर सेटल। तो ये आपके बांग्लादेश में है। PM इनॉग्रेट्स एशियाज मेगा सोलर प्रोजेक्ट इन MP रिवर रिसेंटली विद दिस रिस्पेक्ट चूज इनकरेक्ट ऑप्शंस। PM सेज सोलर एनर्जी श्योर प्योर एंड क्योर, इट्स एशियाज लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश रीवा। नॉट ओनली मध्य प्रदेश एंड द इंडस्ट्री विल गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस सोलर प्लांट, इवन द मेट्रो रेल इन दिल्ली विल गेट इट्स बेनिफिट। दिस सोलर पावर प्लांट हैज़ अ टोटल ऑफ 3 यूनिट्स, ईच यूनिट इज प्रोड्यूसिंग 250 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस 750 मेगावाट प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबाउट 4000 करोड़। सोलर पावर जनरेशन हैज़ स्टार्टेड विथ फुल कैपेसिटी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पहला जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पे PM ने क्या कहा था, सोलर एनर्जी के बारे में श्योर प्योर एंड सिक्योर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, श्योर प्योर एंड क्योर, तो क्योर नहीं, इट इज़ सिक्योर। ठीक है, सो बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको याद रखना है। ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है और मध्य प्रदेश में नहीं दिल्ली में भी इसका बेनिफिट होगा। सोलर पावर प्लांट हैज़ अ टोटल ऑफ 3 यूनिट्स, ईच यूनिट इज़ प्रोड्यूसिंग
2050 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस 750 मेगावाट प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अबाउट 4000 करोड़। सोलर पावर जनरेशन हैज स्टार्टेड विथ फुल कैपेसिटी। रिसेंटली सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस वॉज प्रोवाइडेड टू नदौन पुलिस स्टेशन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री बाई यूनियन होम मिनिस्टर। इन विच स्टेट दिस पुलिस स्टेशन इज लोकेटेड। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हिमाचल प्रदेश में स्टेशन लोकेटेड पुलिस स्टेशन। हु हैज़ रिसेंटली रिसीव यूरोपियन 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड, ओलंपिक हाउस, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हेडक्वार्टर्स लॉसने स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड नेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन जिनीवा, यूनेस्को इन पेरिस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ओलंपिक हाउस, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हेडक्वार्टर लॉसने स्विट्जरलैंड, इसको ये अवार्ड आपका दिया गया। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। संडे के लिए आप जरूर से तैयार रहो 30 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट 9। आई होप आप लोग अच्छा करोगे, कोशिश करो कि अपना बेस्ट दो और उसमें अच्छा जो है परफॉर्म करो। आज 9 PM को स्पेशल क्लास है, उसको आपको जरूर से अटेंड करना है। आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप। सो आज के लिए इतना ही। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक UPSC CSE को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।